जब अपने गम को देखा और औरों के गम को देखा तो औरों का गम उसके गम से बहुत ज्यादा था। तो कहता है क्या, दुनिया में कितना गम है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। अच्छा साथियों, आज मैं गायिका सुषमा भारती आजमगढ़ की सरजमी से हमारे इस गीत का संकेत, हमारी ये गीत आदरणीय अभिमन्यु यादव और आदरणीय सुबेदार यादव जी, आदरणीय राजन भैया की देखरेख में एक कैसेट आप लोगन के बीच में जा रहल बा। हमें आशा ना पूर्ण विश्वास बा कि आप लोगन के जरूर पसंद आई, उम्मीद बा ढेर सारा प्यार दुलार आप लोग दिहल जाई। साथियों, आज 20 मार्च के दिन दिल्ली गैंगरेप की पीड़िता निर्भया बहन को सच्ची श्रद्धांजलि मिली है और अंत तक हिम्मत ना हारने वाली उस बहादुर माँ आशा देवी को पूरी पार्टी के साथ साथ मैं गायिका सुषमा भारती प्रणाम करती हूँ। और उन दरिंदों के लिए कवि जी ने भूमिका में भाव लिखा है, कैसे कुटिल क्रूर कातिल कसाई कलंकी कर्म को कर्म कैसा किया कातिलाना, खौफ खाया खुदा की खुदाई कना, खेल में खुद खता कर दिया कायराना, गम के गर्दिश में गमगीन गम हो गया, गिर गई गर्त में ज्ञान गरिमा शरम, घोट देती गला घर की घरनी अगर, घोर घाती घिनौना न करते करम। कबीर जी ने लिखा है कि घोट देती गला घर की घरनी अगर। तो साथियों, यहाँ उन दरिंदों को पैदा करने वाली औरत को घरनी की उपाधि दी गई है। घरनी शब्द से संबोधित किया गया है क्योंकि ऐसे कमीनी औलाद को पैदा करने वाली स्त्री को
अगर माँ शब्दों से संबोधित किया जाए तो माँ शब्द भी अपमान हो जाएगा। कभी ने कहा है कि अगर ऐसी औलाद का उन्हें कोई स्त्री पैदा करने वाली औरत अगर पैदा करने के बाद उसका गला घोट के मार देती तो आज ऐसी वारदात हिंदुस्तान में नहीं हुआ करती। बिरहा में एक ठे गीत का संकेत बा मास्टर, कैसे कोई प्रेमिका जब अपने प्रेमी से बिछुड़ती है और बिछड़ने के बाद जब वर्षों बाद मिली तो आंखों में आंसू आ गया और कहती है क्या कि अरे कहाँ थे आप जमाने के बाद आए हैं। लेकिन कबीर जी ने कितना सुंदर भाव दिया है, कैसे कि अरे भले हो देर जमाने में, भले हो देर जमाने में, न्याय का यम है। से ऊपर नहीं जरायम है, ला से ऊपर नहीं जरायम है, भले हो देर जमाने में न्याय कायम है। हो जरायम है, ला माने कानून और जरायम माने अपराध। साथियों, हमारे देश की कानून व्यवस्था में देर भले है मगर इंसाफ जरूर मिलता है। शहर के अंदर कवि जी ने उन दरिंदों को याद दिलाया है कि पापियों, शायद तुम्हें दिल्ली का इतिहास पता नहीं था, नहीं तो तुम ऐसी वारदात को अंजाम देने की जुर्रत नहीं करते। कहना है शेर में कैसे इसी दिल्ली में, इसी दिल्ली में चीर दुशासन ने खींचा था, इसी दिल्ली में चीर दुशासन ने खींचा था, कमीनो सोच लो कैसा मिला नतीजा था। अगस्त 26 सन 78 नहीं याद किया, अगस्त 26 सन 78 नहीं याद किया, एक गलती ने रंगा बिल्ला को बर्बाद किया।
ने भी अधिकारी मदन चोपड़ा के लाल रहे, नाम था संजय और गीता नो निहाल रहे। नाबालिग गीता से थे पापी दुराचार किए, नाबालिग गीता से थे पापी दुराचार किए, लूट कर आबरू भाई बहन को मार दिए। जनवरी 31 सन 82 सुबह साक्षी है, जनवरी 31 सन 82 सुबह साक्षी है, रेपिस्ट रंगा व बिल्ला को हुई फांसी है। मित्रों, ये वही दिल्ली की धरती है जो हस्तिनापुर के नाम से जानी जाती थी। द्रौपदी का चिरहरण दुशासन ने इसी दिल्ली की धरती पर किया था, जिसके कारण खूनी महाभारत संपन्न हुआ और 26 अगस्त सन 1978 को नेवी के अधिकारी मदन चोपड़ा की पुत्री गीता के साथ दुराचार करने के बाद खूंखार अपराधी रंगा और बिल्ला ने गीता और उसके भाई संजय को मौत के घाट उतार दिया। तो उसका परिणाम ये हुआ कि उसी रेप और हत्या के जुर्म में 31 जनवरी सन 1982 को इसी दिल्ली में रंगा और बिल्ला को फांसी दे दी गई। तो दरिंदों, निर्भया बहन के ऊपर सितम ढाने से पहले अगर दिल्ली का इतिहास पढ़ लिया होता तो शायद ऐसी जुर्रत करने की हिमाकत नहीं करते। कबीर जी ने संक्षेप में पीछे की घटनाओं को याद दिलाया है, कैसे विदेशिया में भाव लगल। आओ मास्टर, कि 16 दिसंबर सन और 2012 रहल निर्भया के साथ घात किए अत्याचरिया, कि 25 दिसंबर लागल बिगड़े हालतिया हो, आ एयर एम्बुलेंस आयल सिंगापुर शहरिया, कि 4 दिन बाद छोड़ी गईली कि शोकवा में डूबी गईली हिंद की नगरिया, कि पवन मुकेश अक्षय बिन दुराचरिया हो, अरे चारों पापी बंद भइले जेल की कोठरिया। साथियों, आप लोगों को पहले से ही पता है कि 16 दिसंबर सन 2012 को दिल्ली के अंदर दुराचारियों ने निर्भया के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। निर्भया दिल्ली हॉस्पिटल में एडमिट हुई, हालत में सुधार नहीं हो रही थी। माँ आशा देवी, कल मैंने उनको यूट्यूब पर बोलते हुए देखा, जब डेट पे डेट डर रहल बा तो माँ आशा रो कर कहने लगी कि मेरी बेटी निर्भया, सब जब मैं पूछती थी कि बेटा तुम्हारी हालत अब कैसी है तो बस रो कर यही कहती थी कि माँ चिंता मत करो मैं ठीक हूँ। लेकिन उस माँ ने कहा कि मेरे दिल को सुकून नहीं था,
मुझे पता था कि मेरी बेटी बचेगी नहीं, क्योंकि उसको खून की उल्टी कई बार होती। तब मैं जान गई थी। और बाबू 25 दिसंबर को हालत बिगड़ गई। एयर एम्बुलेंस के द्वारा सिंगापुर में लाया गया। सिंगापुर में 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद आखिर वह बेटी निर्भया इस दुनिया से अलविदा हो गई। हिंदुस्तान की जनता में शोक का लहर छा गई बाबू। और उन दरिंदों को गिरफ्तार के लिए जगह जगह पर धरना प्रदर्शन होने लगा। आखिरकार पवन गुप्ता, अक्षय कुमार, विनय शर्मा और मुकेश ठाकुर, ये चारों दुराचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करने के बाद जेल में बंद कर दिया गया। जब ये चारों दुराचारी जेल में बंद हो गए, जेल में तो बंद हो गए लेकिन निर्भया की आत्मा भटकने लगी। किस लिए? न्याय के लिए, इंसाफ के लिए। एक दिन जेल में पवन गुप्ता सो रहा था रात में, तो एक स्वप्न देखा कि निर्भया उसके सामने खड़ी है और रो रो के कह रही है, क्या यू है गीतबा मास्टर? कोई बेपनाह मोहब्बत करने वाला किसी के प्यार में लुट चुका था, उसकी दुनिया लुट चुकी थी, तो कह रहा है क्या, आजा मैं तो मिटाऊं तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आजा मैं तो मिटाऊं तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार। लेकिन बाबू उस बहन निर्भया की आत्मा भटकती है और उन पापियों से कहती है क्या, कि पापी मैं तो मिटी हूँ तेरे पाप से, तुझको खुदा ना करे माफ हो, तुझको खुदा ना करे माफ हो। पापी मैं तो मिटी हूँ तेरे पाप से, तुझको खुदा ना करे माफ हो, तुझको खुदा ना करे माफ। रो रो के उस निर्भया की आत्मा कहती है कि दरिंदों, मैंने तुम लोगों से कितना गुहार लगाया कि मेरी इज्जत को बख्श दो, मेरी आबरू को नीलाम मत करो, लेकिन तुम हवस के दरिंदों मुझे नहीं छोड़े। क्या कहती है, दर्द सुनाई मैंने दुखड़ा है गाई गिर के कदमों में तेरे, कसाई तुम्हें दर्द न आई कहे आंसुओं पे मेरे, मौला करेगा इंसाफ, पापी मैं तो मिटी हूँ तेरे पाप से, तुझको खुदा ना करे माफ हो, तुझको खुदा ना करे माफ।
करती हूँ तेरे पाप से, तुझको खुदा ना कर माफ हो, तुझको खुदा ना कर माफ। बाबूजी मुकदमा चले लगल और निर्भया की माँ आशा देवी ने प्रतिज्ञा कर लिया कि चाहे कुछ भी हो मैं अपनी बेटी के कातिलों को सजा दिला कर रहूंगी। तो यहाँ मास्टर साहब एक ठे गीत लगल जौना गीत के अपने जमाने में स्वर्गीय बुल्लू गुरु का हारमोनियम मास्टर स्वर्गीय बाबू राम जी बड़ा प्यार से गावन लगे कि मिश्री चुवत बा। कैसे कहे कि अरे घूंघट नहीं खोलूं, घूंघट नहीं खोलूंगी सैया तोरे आगे, घूंघट नहीं खोलूंगी सैया तोरे आगे। लेकिन बहन निर्भया की माँ आशा देवी उन दरिंदों को सजा दिलाने के लिए क्या प्रतिज्ञा की थी कि कभी ना हार मानूंगी, कभी ना हार मानूंगी पापी तोरे आगे, कभी ना हार मानूंगी पापी तोरे आगे। सोच लिया निर्भया की माँ आशा देवी कि मैंने ये प्रण कर लिया है कि अपने बेटी के कातिलों को सजा दिला के तभी दम लूंगी चाहे जितनी भी देर हो जाए। और का कहे तो बाबू धीरे धीरे समय बीतत बा और केस चले लगल का भइल 8 बरस तक केस चली है जब पैगाम है पाए। पहुंचा हर जगह से पापियों को सिर्फ फांसी की सजा सुनाई जाती थी। उनके वकील तरह तरह की दलीलें पेश करने लगे। फांसी का डेट पड़ता गया टलता गया पड़ता गया टलता गया। जब फांसी का डेट पड़े तो कुल घबराए जाए, चारों दरिंदा। आज जब टल जाए त
तो खुशी मनावे लगा। तीसरी बार जब फांसी का डेट टल गई बाबू, तो वही जेली में चारों ठौरा खुशी के मारे झूमत हुवन की फांसी टल गई बा। कैसे गीत बदल गई। ए गीत के स्वर्गीय रामदेव गुरुजी अपने जमाना में गौले रहलन। कैसे चल गई चल गई चल गई रे, अरे चल गई चल गई रे, कैसी उल्टी हवा जग में चल गई रे। लेकिन निर्भया के कातिल चारों वैश्य दरिंदे जब फांसी टल जाती है तो बड़े खुश होते हैं और खुश होकर झूमते हैं, गाते हैं, नाचते हैं जेल में और कहते क्या है, टल गई टल गई टल गई रे, टल गई टल गई रे, फांसी की सैतिया टल गई रे। तीन बार फांसी का साइत टरल बा, सुन सुन के सब ही कजियरा चरल बा। जल गई जल गई रे, अरे जल गई जल गई रे, सुन के आशा का छतिया जल गई रे। वारंट जारी हुआ लेकिन तीनों बार कानूनी दांव पेच से हराम जादे बच जाते। लेकिन निर्भया की मां आशा देवी हिम्मत नहीं हारी और मीडिया के सामने यही बयान दिया कि हराम जादे आखिर कब तक बचते रहेंगे, एक ना एक दिन तो उन्हें फांसी होना है, फांसी तय है। तो टेरी में भाव लगल। कैसे कि कानून से आंख मिचौली ना चली सवारी, अरे कानून से आंख मिचौली ना चली, जिंदा बचोगे कब तक खेल जुर्म की होली। कानून से आंख मिचौली ना चली, जिंदा बचोगे कब तक खेल जुर्म से होली। साथियों ठेठ भाषा में एक ठे कहावत कहल जाला कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक ना एक दिन तो उसे हलाल होना ही है। तो यहाँ एक ठे गीत लगल बा, बड़ी करुण भाव का गीत बा मास्टर। कैसे कोई माशुका आशिक से कहती है, कैसे कि अरे शीशा हो या दिल हो, शीशा हो या दिल हो, आंखें टूट जाता है, टूट जाता है, लब तक आते आते हाथों से
लेकिन बाबू कहा जाला खून खांसी अखैर ये तीनों छुपौले छुपतना तब पाप कहाँ से छुपी। कभी जी ने भाव दिया है क्या पापी हो या पाप हो अरे पापी हो या पाप हो आखे झुक जाता है झुक जाता है झुक जाता है। सामने आते आते कर्मों से कायल कैसनो गलती कैले रहा ओकर सजा ऊपर वाला खुद दे। चाहे चोरी से कैले रहा चाहे सबके सामने कैले रहा केस पे केस चलत बा डेट पे डेट डरत बा। तो आगे कहनाम बा बाकी अब अरमान नहीं बच पाना आसान नहीं हाथ लगी मजबूरी है जश तकदीर अधूरी है ये जो वादी है ऐसे चारों छूटेंगे कैसे। ये जो वादी है ऐसे चारों छूटेंगे कैसे एक को बचाऊं तो दूजा रुक जाता है। अरे बाबू यही सब विचार करते करते लड़ाई लड़ते लड़ते एक दिन उहो वक्त आ गई। कवन वक्त आल्हा में भाव मिलल कैसे जैसन करता बेजे कि जैसन करता बेजे का रेला धरती पे भैया वैसन फलवो के देला जग में भगवान ऊपर भगवान नीचे कोटका चहरिया भैया सब ही के खातिर बाबा रबर संविधान पवन हो जला दिले के आईला फसरिया भैया करदना कमा पलिए चारों का सुजान जेलर आ जला दे डॉक्टर सिपहिया भैया फांसी
गोरी पर झुलावल गईला चार दूर चरिया बाबू। बीस मार्च रहल शुक्रवार श्रीमान साथियों, आखिर वक्त आ गई कि आज 20 मार्च को दरिंदे फांसी पर झुला दिए गए। लेकिन लास्ट लाइन में हमारे आदरणीय कवि सुबेदार यादव जी अपने दिल का कुछ बात आप लोगन के समक्ष कागज के पन्नों पर प्रस्तुत किए हैं। कैसे खड़ी में भाव लगल केहू के फांसी केहू के ना सुनवैया होई, केहू के फांसी केहू के ना सुनवैया होई, त कैसे देश से दरिंदन का सफैया होई। साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी न्यायपालिका कुछ फैसले ऊपरी दबाव में लिया करती है। जैसे में बताया गया है कि अरे प्रियंका का कातिल गोलिया से मारल गईले, अरे निर्भया का दोषी फांसी आपा झूली गईले। प्रियंका का कातिल गोलिया से मारल गईले प्रियंका रेड्डी और निर्भया का दोषी फांसिया पे झूली गईले। आप जानते हैं मित्रों कि हैदराबाद की डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के दरिंदों को बगैर केस मुकदमा चलाए जेल से ही निकालकर गोलियों से भून दिया गया और निर्भया के दरिंदों को देर से ही सही लेकिन फांसी पर झुला दिया गया। ये दोनों काम बहुत अच्छा हुआ लेकिन एक फैसला थोड़ा सा कष्ट देता है। वो कौन सा फैसला है कि अरे कुलदीप सेंगर कि कुलदीप सेंगर का काहे सजैया होई, अरे हाय कुलदीप सेंगर का काहे सजैया होई, त कैसे देश से दरिंदर का सफैया होई। ऐसा हुआ कि एक ही तरह की केस में किसी को गोली मार दिया जाता है, किसी को फांसी पे झुला दिया जाता है, लेकिन यही मार्च के महीना में एक ठे फैसला आयल है उन्नाव पीड़िता के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के मात्र 10 साल का सजा हो गई है। खाली मात्र 10 साल का सजा भइल है। क्यों? इसलिए कि उसकी पहुंच ऊपर तक है, उसे भी फांसी होनी चाहिए, उसको भी फांसी होनी चाहिए, तब देश के दरिंदों के दिल में दहशत पैदा होगी। अगर हमरे ये गीत में गौला बजौला के माध्यम से बोलला बतियौला के माध्यम से अगर कोने त्रुटि होई तो आप लोग नादान समझ के क्षमा कर जाई, लेकिन हमरे ये गीत का शीर्षक आप लोगन के चेतावनी देत बा कि अगर ऐसे ही दरिंदों को सजा मिली तो हिंदुस्तान की धरती पर कोई अबला कोई नारी कोई बहन बेटी दरिंदगी की शिकार नहीं होगी। लास्ट लाइन में कहना नाम है कि गुरु गणेश गुरु राम लाल जेकर जैसन हो बाप, अरे कहे सुरंदर
कैसन हो इंसाफ हो। अरे कानून से आंख मिचौली ना चली, ओ कानून से आंख मिचौली ना चली, तो सुषमा